कौन करेगा भगवान राम के प्रथम दर्शन, कौन लगाएगा भगवान राम को काजल, कैसा होगा भगवान राम का भव्य श्रृंगार, भक्तों के सवालों का हर जवाब इस वीडियो में। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होगा, कैसी होगी भगवान राम की पूजा, कौन करेगा भगवान राम के प्रथम दर्शन, कैसा होगा भगवान का भव्य श्रृंगार, ऐसे कई सवाल हैं जो राम भक्तों के मन में हैं। तो राम भक्तों के इन सवालों के जवाब दे रहे हैं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। जब श्री राम को उनके सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा, उससे पहले तक उनकी आंखों में एक पट्टी बंधी रहेगी। जैसे ही उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब उनकी आंखों की वो पट्टी खोली जाएगी। आंखों की पट्टी खोलने का काम मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके बाद श्री राम को आईना दिखाया जाएगा, यानी कि आंखों की पट्टी खुलने के बाद श्री राम सर्वप्रथम अपने दर्शन करेंगे, उसके बाद और भक्त राम जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद उन्हें काजल लगाया जाएगा। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सोने के सिक्के से रामलला की आंखों में काजल लगाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। उसके बाद रामलला की आरती उतारी जाएगी, आरती के बाद भोग लगेगा और उसके बाद वो प्रसाद भक्तों में बांट दिया जाएगा। अब राम भक्तों को बड़ी ही बेसब्री के साथ इस खास दिन का इंतजार है। कार्यक्रम यह है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है 12 और 12:30 के बीच में आधे घंटे में सब पूरा पूजन जो विधान है विधान से सब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अंदर से 5 लोग रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, वो रहेंगे मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी, संघ संचालक श्री मोहन भागवत जी, राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री योगी जी के अलावा जो हमारे मुख्य पुजारी हैं मंदिर के वो। और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद जो प्रक्रिया है कि मंदिर का पर्दा हटेगा, भगवान की आँख की पट्टी खोली जाएगी, भगवान को आईना दिखाया जाएगा, ये हो गया कि अब ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो गई, सजीव हो गई और अब ये मनोकामना पूर्ण करने का जो भी भक्त जो मांगेगा उसको देने का अब इनके अंदर पूरी शक्ति आ गई। इस कार्यक्रम के बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद में अन्न को कार्यक्रम है उसके लिए पूजन पाठ के लिए 3 टीमें बनी हैं। एक का नेतृत्व हमारे कोषाध्यक्ष श्री गोविंद गिरी जी कर रहे हैं, दूसरे का ब्रजन शास्त्री जी शंकराचार्य जी हमारे हैं कांजकोट के वो करेंगे, तीसरे में जो बनारस से चुने हुए 21 विद्वान बुलाए गए हैं वो लोग हैं, वो शेष कार्यक्रम जो चलेंगे अनुष्ठानों के और 14 या 15 जनवरी से लेकर के 22 तक उन सब का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। प्रतिष्ठा हो जाएगी और जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे उसके पहले तक उनके आँख में पट्टी बनी रहेगी और जब पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा तब पट्टी खोली जाएगी और वो सामने से नहीं जो मुख्य यजमान हैं प्रधानमंत्री जी वही उस पट्टी को खोलेंगे और वही आईना दिखाएंगे, वही काजल भी लगाएंगे। 3 काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, तब उसके बाद में अन्य 3 काम है, एक पट्टी हटाना और दूसरा शीशा दिखाना और तीसरा काजल लगाना। ये सोने के सिक्के से काजल लगाया जाएगा भगवान को, ये 3 काम जो है जो मुख्य यजमान होते हैं वो करते हैं और तब करेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सिंहासन पर स्थापित हो जाएंगे तब उसके बाद ही कर उसके बाद ही पूजा हो जाएगी। अब पूजा होने के बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद में तब प्रसाद भोग लगेगा, भोग के बाद प्रसाद का वितरण होगा, ये सारे काम वहाँ पर भाई वो तो ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट कहता हमको तो अपार प्रसन्नता है अब कि ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पहली आरती हमको करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी के बाद में, तो वो तो बहुत प्रसन्नता की बात है, उसमें कोई जरा सा भी संशय नहीं है। लेकिन उस समय की बात जो होता है विशेषकर विशेष ही लोग रहते हैं, जैसा कि ज्ञात हुआ है कि मोहन भागवत जी रहेंगे, उसके बाद राज्यपाल जी रहेंगी, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, ये सब मुख्य हैं और जो लोग रहेंगे वो उनके
वो कोर्ट ये उसके द्वारा ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित होंगे और ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए जाएंगे।